राजधानी दिल्ली में सर्दी शुरू होने से पहले ही हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को सांस लेने में और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में धुंध की एक परत छा गई है जिससे इलाके का AQI 334 तक पहुंच गया, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। राजधानी में प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट हैं। यहां प्रदूषण कम करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समन्वय समितियां भी बनाई हैं और साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ हॉटस्पॉट का लगातार दौरा करने के निर्देश जारी किए। आशीष कुमार मीना है। मैं देख रहा हूँ कि मतलब दिन लास्ट 2-3 दिन से मतलब पॉल्यूशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। मतलब दिक्कत इतनी होती है कि सुबह निकलते ही ऐसा मतलब सीधा थोड़ी बहुत तो देर तो मतलब एडप्ट करने में लगता है खुद को। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबके हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद मतलब कंट्रोल कैसे करना है उनको। अपनी दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज, इतने मेट्रो।